ओके स्टूडेंट, यह अपना अज का 9 अक्टूबर का जरा लैक्चर है दिन शुक्रवार का। आप जो है हम स्टार्ट करते हैं टटोलॉजीज एंड कंट्राडिक्शन। नव चैप्टर जरा है अपने लॉजिक एंड क्वानटीफायर शुरू कर चुके हैं, जिस पेज नंबर 62 तो आप टटोलॉजी तो कंट्राडिक्शन बारे मैं थोड़ा दसागी। टटोलॉजी की होंगे, सब तो पहला टटोलॉजी इज़ अ सेंटेंस विच इज़ ट्रू ऑन लॉजिकल ग्राउंड ओनली। इसका मतलब की है कि ये जस्ट बेटा तुसी याद रखना है कि जो भी किसी की भी टटोलॉजी कढ़न वास्ते कहा जाएगा तो वह सेंटेंस तो उसका नगेशन तुसी की करना है, वह सेंटेंस तो उसका नगेशन कढ़ लोगे तो उसका तुसी और, ठीक है, और कढ़ोगे पी और नगेशन पी जो कढ़ोगे उसकी वैल्यू हमेशा की आएगी, ट्रू आएगी। क्लीयर, टटोलॉजी मीनस ट्रू। ओके क्लीयर बेटा, ट्रू फाल्स ये जिमें मर्जी होवे अपने कोले, इधर कुछ भी होवे इहदी वैल्यू की होंदी है अपने कोले, ट्रू होंदी है जदों आपां कोई भी सेंटेंस ते उहदे नगेशन दा और कढ देंगे। ठीक है, ये इहदा मतलब है टटोलॉजी दे विच, ये तुसीं याद रखना है। सैकेंड जो हैगी है वो हैगी है कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन होंगी है कि किसी भी सेंटेंस की इज ए सेंटेंस विच इज़ फॉल्स, ये की होंगे हमेशा फॉल्स होंगे है। मीनस ये की है कि जो किसी भी सेंटेंस नगेशन का तुसी एंड कढ़ोगे, ठीक है, एंड कढ़ोगे आ वाला साइन है ना, एंड का साइन तुम्हें दसिया सीगा मैंने स्टार्टिंग च, एंड कढ़ोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा की आएगी तुहाडे कोले, फाल्स हैगी। चाहे ट्रू है चाहे इधर फाल्स है, इतने फाल्स है एक ट्रू है, ये वैल्यू हमेशा की आएगी तुहाडे कोले, फाल्स ही आएगी। क्लीयर बेटा, टटोलॉजी तो कंट्राडिक्शन तुसी बस यही चीज़ याद रखनी है। टटोलॉजी जरा है तुसी और कढ़ दे होंगे कोई भी सेंटेंस तो उसके नगेशन का, दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। तो कंट्राडिक्शन दे विच तुसी की कर दो, एंड कर दो किसी भी सेंटेंस तो उसके नगेशन का, दैट इज़ ऑलवेज फॉल्स, ये हमेशा फॉल्स होंगे। क्लीयर, नैक्सट जो आ जाती है ये अपने को कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट की होंगी हैगी कंडीशन, जिस तरह की कंडीशन ये इंग्लिश दे विच जे आप गल करिए अपने को किस तरह का सेंटेंस होंगे, इफ ते दैन वाला सेंटेंस एक आप करते होंगे है, दो सेंटेंसेस जोड़न वास्ते आप इफ ते दैन वाली कंडीशन जी, इफ ते दैन वाली जी कंडीशन हैगी वह आप अप्लाई करते हैं जिदे जिमें आप कह दें जो तुम मेहनत करोगे, इफ यू डू हार्ड वर्क दैन यू विल गैट द सक्सैस। क्लीयर है ना, इस तरह की कंडीशन उन्होंने आप कंडीशनल स्टेटमेंट कह दें कि उस कंडीशन अप्लाई होगी ना कि जे तुम मेहनत करोगे ताइयो तुहानू सक्सैस मिलेगी, अदरवाइज हो सकता ना मिले। तो यह चीज़ आ जाती है मैथ के जो आ लॉजिकल क्वानटीफायरस के लॉजिकल क्वानटीफायरस के गल करते हैं तो आप करते हैं कि पी इंप्लाइज क्यो, इनू आप किस तरह बोलते हैं पी इंप्लाइज क्यो, देखो इनू बोलिया जाता है पी इंप्लाइज क्यो, जनू पी ओनली इफ क्यो भी बोल देंगे है, पी ओनली इफ क्यो भी बोलिया जाता है, सिंपल आप इनू पी इंप्लाइज क्यो कह दें। तो ये की होंगे, ये तुसी याद रखना है सिर्फ जे अपने को दो सेंटेंसेस है ओबियसली दो ही होंगे, इफ ते दैन वाली कंडीशन जो आप अप्लाई कर रहे हैं, एक पी सेंटेंस हो गया एक क्यो सेंटेंस हो गया, तो ये आप करते हैं जिमें आप पहले लिखते हैं दो ट्रू दो फॉल्स, पी दे क्यो का ट्रू फॉल्स लिखा, तो पी इंप्लाइज क्यो दे पी इंप्लाइज क्यो फॉल्स होंगे सिर्फ एक ही कंडीशन दे जो पी ट्रू हो क्यो फॉल्स हो, जो पी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट पी पहली स्टेटमेंट कहने का मतलब की है पहली स्टेटमेंट ट्रू है तुहाडे कोले दूजी स्टेटमेंट फॉल्स है, दैन पी इंप्लाइज क्यो इज फॉल्स, अदरवाइज बाकी सारिया कंडीशनज दे विच यह रिजल्ट की होंगे है ट्रू होंगे। क्लीयर बेटा, समझ आ गया, जे मी पी सेंटेंस भी ट्रू है क्यो भी ट्रू है तो भी यह ट्रू होएगा,
जे दोनों फाल्स है तां भी ट्रू होएगा, जे पहली स्टेटमेंट फाल्स है ते दूजी ट्रू है तां भी ट्रू होएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन दे विच कि पहली स्टेटमेंट तुहाडी ट्रू है ते दूजी स्टेटमेंट जिहड़ी ओह फाल्स है, दैन रिजल्ट इज फाल्स। बस याद रखना तुसी यही चीज़ कि पी इंप्लाइज क्यू कदों फाल्स हुंदा, जदों पहली स्टेटमेंट ट्रू होवे दूजी फाल्स होवे दैन रिजल्ट इज फाल्स, अदरवाइज दिस रिजल्ट इज ट्रू। क्लीयर? बस यही चीज़ तुसी इहदे विच याद रखनी है। बस बेटा जिहड़े भी जिन्नी भी हुण आपां आह पिछे करके आए ना कंजक्शन डिसजंक्शन, इन्हां 'च तुसीं इही चीज़ां याद रखनी है, इन्हां नूं रिवाइज़ करना है। 2-3 दिनों 'च ये डेली रिवाइज़ करोंगे याद हो जाणगीआं कि कंजक्शन कदों तुहाडे कोले मतलब ट्रू हुंदी है, जदों दोनों ट्रू है तां रिजल्ट ट्रू होएगा, जे एक भी फाल्स आ गया तां रिजल्ट की हो जाएगा अपने कोले फाल्स हो जाएगा। डिसजंक्शंस उल्टा होंदा गया, जे दोनों फाल्स है स्टेटमेंट्स तां रिजल्ट फाल्स होएगा, अदरवाइज डिसजंक्शन की हो जाएगी, जे एक भी ट्रू है तां ट्रू हो जाती हैगी, है ना। ये चीज़ तुहानू कराई है। फिर तुहानू दस्या सीगा आहा एक्स और है ना, आहा तुहानू दस्या सीगा मैंने इहदे बारे, इहदे विच की सीगा तुहाडा जे दोनों ट्रू है जां दोनों फाल्स है तां रिजल्ट की हो जांदा फाल्स हो जांदा है, जे एक ट्रू एक फाल्स है तां रिजल्ट तुहाडा ट्रू हो जांदा है। नेगेशन उल्टा हुंदा है, ये सौखा ही है, जो भी रिजल्ट दिता है उहदा तुसीं उल्टा करके लिखना, जे ट्रू है तां फाल्स लिख दोगे, फाल्स है तां ट्रू लिख दोगे। टटोलॉजी मैं तुहानूं दस दित्ती, टटोलॉजी नाम तो ही पता लगता ट्रू, टटोलॉजी मीनस ट्रू आऊगा। ट्रू किहदा किहदा कढ़ना, तुसीं कोई भी सेंटेंस ते उहदे नेगेशन दा जदों भी तुसीं ज्वाइन कढ़ोगे आह और कढ़िया जाएगा उदों की हो जाएगा वह अपने कोले ट्रू हो जाएगा डिसजंक्शन। क्लीयर? तो कंजक्शन कढ़ोगे जो किसी भी सेंटेंस से उहदे नगेशन का तो वह फालस हो जाता, दैट इज़ द कंट्राडिक्शन। नैक्सट तुहानू दस्सिया कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ एक ही कंडीशन दे विच फालस होंदी है, जो पहली स्टेटमेंट ट्रू होवे दूजी फालस होवे, बाकी सारिया कंडीशनस दे विच यह की हुंदी है कि ट्रू होंदी है। उस तो बाद अगे अपने कोले 3 चीज़ां होर आ जांदियां हैं, दैट इज़ द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट्स दा तुसी कन्वर्स किवें कढ़ोगे, इनवर्स किवें कढ़ोगे ते कंट्रापोजिटिव किवें कढ़िया जाएगा, ये चीज़ बारे मैं तुहानू दसांगी। बेटा इन्हां नू तुसी ध्यान नाल डेली याद करना है, फिर याद होंगे, क्योंकि इन्हां चीज़ों नू आपां सम्स दे विच अगे एग्जाम्पल्स नू सोल्व करन दे विच आपां यूज़ करांगे। तो फस्ट जी आह चीज़ है ये तुहानू पता ही है, दैट इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट, पी इंप्लाइज क्यू इज कॉल द, ये आप हमने करके आए कंडीशनल स्टेटमेंट है। दैन जे आप इनू लिख लीए क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है उल्टा हो गया ना, पी इंप्लाइज क्यू सीगा, जे आप क्यू इंप्लाइज पी लिखिए इज कॉल्ड द कन्वर्स, दैट इज़ द कन्वर्स, ये अपने को बन जाता है कन्वर्स बन जाता बेटा। ठीक है, समझ आ गया है। अपने को कंडीशन आप कंडीशनल स्टेटमेंट तो ही सारे बनावे कि जे अपने को पी इंप्लाइज क्यू है तो आप जे इस तो क्यू इंप्लाइज पी लिख दईए तो यह की बन जाता कन्वर्स, कन्वर्स कर दिता ना अपने इनू उल्टा कर दिता गा कन्वर्स। ठीक है, दैट इज़ द कन्वर्स क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, हुण जदों तुसीं क्यू इंप्लाइज पी लिखोगे तो तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हुण तुहाडी फस्ट स्टेटमेंट क्यू है तो सैकेंड स्टेटमेंट पी है। ठीक है, फस्ट स्टेटमेंट तुहाडी क्यू है तो सैकेंड पी है, तो तुसीं इंप्लाइज का तुहाडा रूल उही रहेगा, कंडीशनल का रूल जिहड़ा वह उही रहेगा कि जे फस्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो सैकेंड फालस है तो रिजल्ट फालस होएगा, अदरवाइज बाकी सारिया स्टेटमेंट्स यह ट्रू होएगा। हुण जे दोनों ट्रू है तो रिजल्ट इज़ ट्रू है, हुण इहदे विच फस्ट फालस है दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट इज़ ट्रू, फस्ट ट्रू दूसरी फालस आ गई तो रिजल्ट अपने को लेके आ गया इत्थे फालस आ गया, क्योंकि एक ही कंडीशन च यह फालस होंदा सी, जे फस्ट ट्रू होवे सैकेंड फालस, जे दोनों फालस है तां भी रिजल्ट की आ जाएगा अपने कोले ट्रू आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया तुहानू कि कन्वर्स दे विच आपां ने की करना हुंदा है,
पी इंप्लाइज क्यू नू क्यू इंप्लाइज पे लिख देना होंगे है। उस तो बाद आ जाता है अपने को इनवर्स। जदों आपने लिखना इनवर्स, इनवर्स लिखने वास्ते पहला तो तुसी की करोगे दोनों सेंटेंसेस का नगेशन कढ़ोगे, ठीक है, नगेशन कढ़ोगे, नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू कढ़ के उस च इंप्लाइज, उस च तुसी कंडीशन अप्लाई करनी है। इनवर्स ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इज नगेशन ऑफ पी इंप्लाइज नगेशन ऑफ क्यू। समझ आ गया है, सिंपल चीज़ ही है, बस याद रखने की गल है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कन्वर्स दे विच तो आपने स्टेटमेंट्स नू उल्टा कर दिता, क्यू अगे ले पी पिछे ले। जो इनवर्स कढ़ोगे उदो की करना तुसी इन्हों का पहला नगेशन लेना है, नगेशन लोगे फिर इंप्लाइज का साइन लेना है। हुण तुसी आ वेखो इत्थे इन्हां ने कढ़िया गया नगेशन पी इंप्लाइज नगेशन क्यू। हुण जो तुसी आह चीज़ करने देखो इंप्लाइज की जिहड़ी प्रॉपर्टी है वह अपनी सेम ही रहेगी, वह अपनी जिहड़ी कंडीशन वाली है वह सेम ही रहेगी, उहदे विच कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कित्थे आ जाएगा, हुण जिहड़ा तुसी नगेशन पी ते नगेशन क्यू लोगे। हुण तुसी इत्थे की इन्होंने लिखा नहीं बेटा, तुसी नाल इहदे जिहड़ा हैगा नगेशन पी ते इक नगेशन क्यू का कोलम भी बना लो। जदों हुण तुसी नगेशन पी लिखोगे इत्थे फालस आ जाएगा, दिस इज़ फालस दिस इज़ ट्रू, क्योंकि आपां नूं पता नगेशन च उल्टा हो जाता है। तो नगेशन क्यू जदों तुसी लिखोगे फालस ट्रू फालस ट्रू, आडे को बन जाएगा, है ना, उल्टा बन गया गा। हूँ जो तुम नगेशन पी टू नगेशन क्यू लोगे तो थानू पता है सिर्फ एक कंडीशन, केड़ी कंडीशन कि फस्ट ट्रू सैकेंड फॉल्स, केड़ी है देखो फस्ट ट्रू सैकेंड फॉल्स, उस दे विच रिजल्ट फॉल्स होंदा है, बाकी सारे दे विच रिजल्ट की अपने को ट्रू है। क्लीयर ईजी है। उस तो बाद उल्टा लास्ट जरा आ गया अपने को कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव च आपने की करना हूँ जो आपने नगेशन वाला साइन लिता है यदा उल्टा कर देना है। हूँ नगेशन क्यू अगे आ जाएगा इंप्लाइज नगेशन पी आ जाएगा, हूँ यदा उल्टा कर देवे उन्होंने आप कहने है कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहने है। कढ़ण का मैथड उ अपना इंप्लाइज वाला रहेगा। हूँ नगेशन क्यू तुहाडी पहली स्टेटमेंट है, नगेशन पी तुहाडी सैकेंड स्टेटमेंट है, तो तुसी देखना है पहली स्टेटमेंट ट्रू दूजी फालस, उत्थे तुहाडा फालस आ गया गा, बाकी सारी जगह पर क्या आ गया ट्रू आ गया। क्लीयर ईजी है बेटा, बस तुसी याद रखना कि कढ़ना कि है कन्फ्यूज नहीं होना। कंडीशनल हुंदा पी इंप्लाइज क्यू, कन्वर्स हुंदा क्यू इंप्लाइज पी, इनवर्स हुंदा नगेशन पी इंप्लाइज नगेशन क्यू, ते कॉन्ट्रा पॉजिटिव हुंदा गया नगेशन क्यू इंप्लाइज नगेशन पी। ठीक है, ये चारे चीज़ा तुसी याद रखनी है। इंप्लाइज का मैथड तुहानू मैंने दस दिता, इंप्लाइज किवें करना है, सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी है पहली ट्रू सैकेंड फॉल्स है, उत्थे फॉल्स लगा दो बाकी जगह पर तुहाडा ट्रू आएगा। ओके बेटा, उस तो बाद आह जस एक किता होएगा तुहाडे कोले, आह इत्थे बेटा क्यू लिखना सी, इन्होंने गलती नाल पी लिख रखिया गया, पी ते क्यू दो स्टेटमेंट्स उन्हों का पी इंप्लाइज क्यू लिखा होया गया। उस तो बाद ये कोई भी तुहानू इदां दा रिजल्ट दे सकदे कि इहनू तुसी इक वार प्रूव करो, है ना, तां तुसी कर सकदे होंगे टेबल दे थ्रू। आ तुहानू टेबल बनाउणा आ गया कि पी लिख लिया क्यू लिख लिया पी इंप्लाइज क्यू कढ लिया, होर तुसी की करना हुण इन्हां ने किनू किहदे इक्वल करन नू कहा नगेशन पी अपने कोल इह डिसजंक्शन हो गया डिसजंक्शन क्यू, ठीक है ना, और क्यू तो ये वास्ते हुण तुहानू की चाहिए, पहले एक तो नगेशन पी चाहिए, तुसी नगेशन पी लिख लिया फिर दोनों नू जॉइन कर लिया, जॉइन दे विच तुहानू पता ही है मीनस जिहड़ा और कढ लिता दोनों का, और अपने विच तुहानू पता ही है कदों हुंदा है सिर्फ दोनों रिजल्ट फालस है तो रिजल्ट फालस होएगा, अदरवाइज रिजल्ट की होएगा, जे एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हुंदा ही है अपने कोल। ओके बेटा, ये अपने को की आ गया गा, कोई भी इदा की चीज़ हूँ तुम इन्हों कंपैरिजन करके देख लो, ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू ट्रू मीनस सेम आ रहा तो यह कि दोनों रिजल्ट इक्वल है। इदा तुम्हें होर भी अगे सम्स आने जिन्होंने इक्वल प्रूफ करने कहा जाएगा तो तुम इदा लिख सकते होंगे। ओके, आह कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है जिमें पी स्टेटमेंट दी हुई है, तुम 2+3=6, क्लीयर।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2 + 3 = ਕੀ ਹੁੰਦਾ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅਤੇ 2 + 2 = 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਿਊ ਕੱਢੋਗੇ, ਪੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਿਊ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਟਰੂ ਹੈ ਦੂਜੀ ਫਾਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ 'ਚ ਇਹ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਫਾਲਸ ਹੈ ਦੂਜੀ ਟਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ, ਤਾਂ ਪੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਏ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਵਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਵਲ ਹੈਗਾ, ਟਰੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ 1 + 1 = 3, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 + 1 = 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਫਾਲਸ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਮੀਨਸ ਜੇ ਪੀ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਊ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਊ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਫ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਬੋਥ ਟਰੂ ਔਰ ਬੋਥ ਫਾਲਸ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੂ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਫਾਲਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਟਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫਾਲਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਆਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਫਾਲਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।